आपने सुझाव भी दिया है कि हर 50,000 की जनसंख्या को केंद्र बनाकर रोज शाम को 5 बजे से 6 बजे या 6 बजे से 7 बजे तक ऑडियो कैसे सुनाने का व्यवस्था की जाता है। तो उन्होंने सुझाव दिया है 50,000 की जनसंख्या, इसको आप जैसे कि मान लिए 50,000-10,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है, 1,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। इनकी मूल भावना ये है कि रोज कैसे सुनाने की, ऑडियो कैसे सुनाने की सामूहिक व्यवस्था है। एक बात कोशिश करते हैं व्यक्तिगत रूप से कैसे सुनाने की, एक ये कोशिश करते हैं वीडियो कैसे केवल ठीक है, उन दोनों से अलग होता है तीसरा भाव है कि ऑडियो कैसे को सामूहिक रूप से सुनाने की व्यवस्था। तो कल जो कार्यक्रम के बारे में हमने चर्चा की है, आप में से जिनको भी संभव हो जो सामूहिक रूप से ऑडियो कैसे सुना सकते हैं 5,000, 5,000, 10,000 जो भी संख्या हो वो मैं अपने लेकिन को रेगुलर रखे कार्यक्रम चला सके, वो चाहे 10 किलो के लिए सुने सामूहिक सुने तो उनका एक कल के कार्यक्रम के बारे में सुना हो तो आप में से जिसको लगे वो उसको जरूर करें। अभी हम लोग संगठन की चर्चा कर रहे हैं, संगठन की चर्चा के बारे में दो तीन बातें हैं। एक तो मेरा सबसे निवेदन यह है कि जहां जहां संचालन समिति बनी है जिले स्तर की, वो लोग अपने तहसील स्तर की संचालन समिति बनाने की कोशिश करें। दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये है कि आपके जिले में मान लीजिए व्याख्यान हो गए हैं, बहुत अच्छा व्याख्यान हो गए हैं तो संचालन समिति बनाने का, लेकिन अगर व्याख्यान नहीं भी हुए हैं तो भी आप ऐसा करें जैसा जयपुर के साथियों ने किया, उन्होंने क्या किया ऐसा मानस मन में जब आ जाए तो किसी के भी मन में आ जाए
तो निश्चित रूप से समिति पर आने की चाहिए। उसमें यह इंतजार नहीं करना है कि राज्यपाल भी आएंगे, उनका व्याख्यान होगा, व्याख्यान के बाद हम मीटिंग बुलाएंगे, उसमें समिति बनने की कोई जरूरत नहीं। मेरा व्याख्यान हो या ना हो, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए लोग अगर तैयार है तो उनकी समिति उस समय भी गठित की जा सकती है। तो ये जो नीतिगत बातें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। संगठन बनाते समय नीतिगत बातों का जो ध्यान रखना है उस संदर्भ में ये कह रहा हूँ। एक बात तो ये कि जहाँ जहाँ जिले में संचालन समितियां बनी है वो अपने अपने तहसीलों में संचालन समितियां बनाने की कोशिश करें। उन तहसीलों में पहले कोशिश करें जहाँ व्याख्यान हो चुके हैं, और जहाँ व्याख्यान नहीं हुए हैं उन तहसीलों में कोई सदस्य समिति बनाने की कोशिश करें। लेकिन अगर सदस्य समिति बनाने वाले लोग तैयार है मानसिक रूप से जिम्मेदारी लेने के लिए तो उनकी औपचारिक संचालन समिति भी बनाई जा सकती है और उसकी घोषणा की जा सकती है। उसमें इस बात का इंतजार है कि मैं आऊंगा तभी वो समिति बनेगी। और एक जरूर बात कहना चाहता हूँ समिति बनाने के संदर्भ में और लोग जयपुर वाले लेकिन बाद में क्या हो रहा है, मेरे वहां से खिसकते ही वो ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सिर से सीधे। फिर बड़े गिरने चुने दो तीन सिर दिखाई देते हैं तो वो बेचारे क्या सोचकर जिम्मेदारी लेते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं बैंगलोर गया, बैंगलोर में दो सभा बड़ी सभा। अब हमने अनाउंस किया, मेरी आदत है मैं हर जगह करता हूँ कि जिनको भी आजादी बचाओ आंदोलन से जुड़ना हो नाम बता देते हैं। तो 400-420 करोड़ रुपए नाम तो कोई वो अच्छा नहीं है। फिर भी आपको मैं कहता हूँ 400-400 में से 380 लोग आगे उस मीटिंग में, और उसमें कहा कि हम संचालन समिति बनाते हैं तो सबने खुशी खुशी से बोला, जिम्मेदारी लिया। और उसके बाद मैं वही लोग 4-5 गिने चुने हैं या 10 हैं वो आते हैं, बाकी तो सब अभी नहीं आते हैं। तो उसने से मैंने एक सबक सीखा और वो सबक मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे रहते हुए वहां पर जितने भी लोग मेरे आसपास घूम रहे हैं तभी भी ये भरोसा मत करिए कि ये सब कार्य करता है। ये आपको कुछ बड़ा भी बात होता है, इसमें आपको कुछ खराब भी लगे तो उसको मान लीजिए कि ये कड़वा सच है कि मेरे वहां रहते हुए जितने लोग वहां घूम रहे हैं बिल्कुल ना मान लीजिए कि वो सब कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता 3 तरह के होते हैं, उनको उनकी भाषा में कहते हैं। एक बार ऐसे होते हैं कि जो राजीव भाई को चेहरा दिखाने आते हैं, राजीव भाई हम बहुत सकते हैं और राजीव भाई आते आगे पीछे चालू हो जाते हैं। वो तो अच्छी बात है कि हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं। और कुछ खराब होते हैं जो आधे अधूरे से होते हैं, वो आएंगे तो थोड़े चार्ज हो जाएंगे, मेरे जाने के बाद 3 महीने पर चार्ज रहेंगे, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, फिर उसके बाद थोड़े घंटे हो जाएंगे। तीसरे ऐसे कार्यकर्ता जिनको मैं सच्चा कार्यकर्ता मानता हूँ कि मैं गया या नहीं गया वो अपनी जुम्मे लगे हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो भले ही रोज शाम को 1 घंटे लिए लेकिन कुछ कर रहे हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या सबसे और कार्यकर्ता बनी होते हैं। कार्यकर्ता कम होते हैं, सहयोगी उससे ज्यादा होते हैं और समर्थक सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई वो हमारे सहयोगी ऐसा मानिए, और तीसरी और आखिरी कार्यकर्ता है वैसा मानिए। तो जब भी आपको एक काम मिले अपने हाथ में कार्यकर्ताओं की संख्या और शक्ति को ध्यान में रखें, सहयोगियों की शक्ति और क्षमता को ध्यान रखकर आप काम हाथ में ना उठाए, नहीं तो आपको बड़ा धोखा हो सकता है कि आपको बहुत तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपके पास 2 ही कार्यकर्ता है तो 2 कार्यकर्ता
शक्ति अपनी क्षमता अपना उनका जो विश्वास है उसको ध्यान में रखना उठाए। दस है तो वो अपनी शक्ति क्षमता का ध्यान रखना काम आते छोटी सी कल्पना है कि हिंदुस्तान में 5-4 क्षेत्र 1000 गांव हैं।
और हर पार्टियों के बीच में एक सच्चा कार्यकर्ता होना चाहिए, माने एक बड़ा कार्यकर्ता होना चाहिए सच्चे। वो एक बड़ा कार्यकर्ता हिंदुस्तान में 10 करोड़ समर्थकों को खड़ा कर देंगे और वही एक बड़ा कार्यकर्ता कम से कम 5 करोड़ सहयोगी जुटा देंगे। तो 1 लाख हमारे लिए बहुत ज्यादा है सभी क्षेत्र में। तो ऐसी कोशिश हम जब करेंगे कार्यकर्ताओं को जुटाने की, तो उसमें दो बातें तो मुझे लगता है कि आपको निराशा नहीं आएगी। पहली बात मैंने फिर कही कि सच्चे कार्यकर्ताओं को पहचानिए, वो कम होंगे, उतना ही की ताकत निराशा नहीं होगी। दूसरा, सहयोगी और समर्थकों को बिल्कुल साफ दिमाग रखिए, ये मेरा सहयोगी है, ये मेरा समर्थक है, ये मेरा कार्यकर्ता। ये तीन कैटेगरी हर जगह कि ये हमारे समर्थक है, ये हमारे सहयोगी है, ये हमारे कार्यकर्ता है। तो ये हो गए हमारे सहयोग, माने कम से कम इतना मान रहे आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इतना निश्चित है जो आपके रास्ते में अड़ंगे नहीं लगाएंगे। तो जो हमारे रास्ते में अड़ंगा नहीं लगाएगा वो सब हमारे समर्थक। अभी मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति आपके काम में कोई भी रोड़ा नहीं हटा रहा है वो आपके समर्थक है। जो भी व्यक्ति आपके काम में थोड़ी तात्कालिक रूप से या थोड़े मध्यम के समय की बात करें, तात्कालिक माने जैसे आपने मीटिंग का आयोजन कर रखा और एक हफ्ते का आपने आयोजन के लिए समय तय कर रखा, तो एक हफ्ते बहुत सारी आपको मदद करेगी और उसके बाद हो सकता है जो एक हफ्ते के बाद अपना काम करना। तो बस मान लीजिए वो आपके सहयोगी है तो उनको डालिए समर्थक। मैंने बता दिया जो कभी आपको ये बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब वो आपके रास्ते नहीं बनेंगे, आपके लिए उनके मन में अच्छी भावना है, सद्भावना है, तो वो हमारे समर्थक है। सहयोगी वो है जो जरूरत पड़ने सहयोग के लिए निकलेगी, वो आपके सहयोगी। और कार्यकर्ता तो वो है जो हर समय प्रार्थना करने से कंधा मिलाकर कोई भी काम आपके साथ खड़े, तो वो आपके कार्यकर्ता। तो हर जगह मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि आप एक बड़ा रजिस्टर बनाइए और हमने इस विवेक के आधार पर जो फॉर्मूला आपको दिया है उस फॉर्मूला के आधार पर थोड़ा वर्गीकरण कर लीजिए कि कौन हमारे कार्यकर्ता है, कौन हमारे सहयोगी है, कौन हमारे समर्थक है। सूची बनाने की जरूरत नहीं है, सभी बनाइए क्योंकि आप पढ़े पर आप उनको बुला सकते हैं, कह सकते हैं और आपने निवेदन किया और ये कहा कि 3 दिन का बात है, 3 दिन की जरूरत है, जरा आ जाओ, हो सकता है 3 दिन के लिए आपके पास आ जाए, मदद कर लेंगे, फिर वो अपने अपने काम में लग सकते हैं। तो सहयोगियों की एक सूची रखिए और एक सूची अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं की, ठीक है। अब एक प्रश्न और है कि कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए जैसे प्रयोग करें, निश्चित रूप से ये काम तो करना ही पड़ेगा। हर बार आप ये कोशिश करिए कि मैं किसी नए कार्यकर्ता को इस आंदोलन से जोड़ दूं, हर बार इस कोशिश में आप करें और ये मानकर कोशिश करिए कि या तो मैं उसे कार्यकर्ता बनाऊंगा, नहीं तो उसे सहयोगी बनाऊंगा और नहीं तो समर्थक को बना ही दूंगा। मैं समर्थक बनाना मेरे पास सबसे आसान काम, तो संकल्प ये रखिए कि मैं किसी एक से मिलूंगा या संपर्क करूंगा जाऊंगा, तो या तो मैं उसे अपने आंदोलन का समर्थक बना लूंगा, नहीं तो उससे भी अच्छी बात होगी कि मैं उसे अपना सहयोगी बना लूंगा और सबसे अच्छी बात होगी कि मैं उसे अपना कार्यकर्ता बना लूंगा। अब इसके लिए रास्ता क्या है, दो रास्ते हैं जो सबसे आसान और सबसे सीधे हैं कि आप अगर नए नए क्षेत्र संपर्क का काम शुरू कर दें तो लोग जैसे उदाहरण के लिए आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में 10-15-20 घरों में आपने अगर संपर्क किया तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि 15 घरों में संपर्क करने से 10 लोग आपके समर्थक कर दे, 3 लोग आपके और 2 लोग शायद आपके कार्यकर्ता भी कर दे। अब वो संपर्क करने का तरीका क्या है, वो कर्म में उन्हें बताया, या तो अगर घर घर दरवाजा खटखटा है उनसे बात नहीं कर सकते तो आप एक दूसरा तरीका अपनाएं। दूसरा तरीका मैंने बताया कि सामूहिक रूप से कैसे सुनाएं, द्वार मार कराएं और ये हो जाती है एक दूसरा तरीका। और उसमें एक जरूर करें कि जब आप सामूहिक रूप से कैसे सुनाने की व्यवस्था कर रहे हैं तो कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना हो तो आपके पास आ सके। जैसे मान लीजिए वीडियो कैसे चला रहे हैं तो उसके लिए पर्ची चलाई जाए
आपको ये वीडियो कैसे अगर सुनने में अच्छी लगती है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑडियो कैसेट आप अगर सुना रहे हैं सामूहिक रूप से तो उस ऑडियो कैसेट चलाने की कैसेट खत्म हो गई और ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि वो संपर्क का फला उस इलाके का नाम रोशन पड़ी लोगों को मिलता है। कई जगह ऐसा हुआ है और की कैसेट चली है लोगों को अच्छी भी लगी है तो लोगों को मानते हैं कि हम इससे संपर्क करते हैं और अगर ये किया जा सके कि कहीं कहीं हो सकता कि आपने जो कैसेट चलाई है उसमें कैसेट के अंत में एक दो लाइन अपनी तरफ से रिकॉर्ड करवा के डलवा दें कि आपको इससे ज्यादा और जानकारी करनी हो तो ये फोन नंबर है ये एड्रेस है तो भी एक तरीका है। वीडियो करना बहुत आसान है ऑडियो में भी बहुत आसान है। आप एक मिनट में अनाउंस कर दीजिए कैसेट के अंत में तो निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ लोग संपर्क के माध्यम से मिल जाएंगे। और एक तरीका और है कि हमने जो पत्रक बनाए हैं स्वदेशी विदेशी उनमें कभी भी बिना नाम पते का पत्रक मत बांटिए, कम से कम एक संपर्क का पता उस पत्रक पर जरूर रखिए। स्वदेशी सामान क्या विदेशी सामान क्या आपने पत्रक छपाया मान लीजिए कल्पना की छपा तो विजयनगर का कोई एक संपर्क पता उस पत्रक पर नीचे रहना नहीं चाहिए ताकि पत्रक पढ़कर किसी को प्रेरणा हो तो वो आपसे संपर्क कर सके और आपको तय कर सके कि इसको हमें समर्थक बनाना है कि सहयोगी बनाना है कि कार्य करना है। तो पत्रक हमें कोई ना कोई एक संपर्क पते के माध्यम से ही जारी करें। कैसेट को सुनना वो भी एक संपर्क पते के माध्यम से ही उसको सुनवाइए। वीडियो कैसेट दिखाई हो उस पर भी एक संपर्क सहयोग का पता जरूर लगाइए ताकि देखने वाले को सुनने वाले को पढ़ने वाले को पता चल सके और वो आपसे संपर्क कर सके। अब आपके काम में थोड़ा सातत्य रहेगा तो निश्चित रूप से इसमें से बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे। सातत्य अगर था तो कार्यकर्ता तो सातत्य बनाए तो सातत्य बनाए रखने का कि आप सप्ताह में या 15 दिन में या महीने में कोई एक दिन तय कर कि इसमें हम सब बैठे मीटिंग हो और वो मीटिंग उद्देश्य वाली भी हो सकती है निरुद्देश्य भी हो सकती है। हम लोग उसको एक शब्द देते नामक मिलन बिना किसी उद्देश्य के भी मिल सकते जरूरी नहीं है कि हर बार हम कोई उद्देश्य लेकर ही मीटिंग में बैठे ठीक है कोई उद्देश्य नहीं है तो भी महीने में एक बार हम बैठे भी तो लक्षण करेंगे गप्पे मारेंगे एक दूसरे का सुख दुख पूछेंगे हालत पूछेंगे एक दूसरे की राजी खुशी पूछेंगे आपको नहीं तो आपको रहेंगे आपको नहीं तो आपको ऐसे ही करेंगे ये जरूर रखिए। महीने में कम से कम एक दिन तो रहे दिन में रहे तो थोड़ा और अच्छा सप्ताह में रहे तो आदर्श आदर्श स्थिति यह है कि हर सप्ताह में एक दिन हम सब बैठे आदर्श की स्थिति है 15 दिन में एक बार बैठे और सामान्य स्थिति है कि आप महीने में कम से कम एक बार बैठे उद्देश्य है तो कुछ नहीं कर रहे हम सब रहेंगे मुस्कुराते भी रहेंगे एक दूसरे को सब मौन धारण कर लेंगे निश्चित रूप से एक हफ्ते में वो घर ऐसा लगने लगेगा कि ये व्यक्ति आए ये क्यों हो रहा आदमी की नेचुरल इंस्टिंक्ट में संवाद करनी काम दो या ना हो लेकिन संवाद होना बहुत जरूरी घर में बहुत सारी चीजें हम संवाद में करते हैं सब काम के लिए थोड़ी करते बहुत सारी बात आप कभी एक दिन ऑब्जर्व करिए अपने आप अपने साथ अपने बच्चों की बातें अपने साथ अपने घर के दूसरे लोगों की बातें पति पत्नी के बीच की बातें भाई बहन के बीच की बातें माँ बेटे के बीच की बातें बेटा बेटी के बीच की बातें ये सब की बातें आप ऑब्जर्व करिए और निश्चित रूप से आपके मानिए कि उन्होंने 10% बातें निरंतर की है 10% की उसमें सार रखे हैं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि वो संवाद जो है अपना एक दूसरे के साथ तो नामक मेलन भी हम अगर कर रहे हैं तो वो थोड़े समय के लिए किसी को लग सकता है कि ये निरंतर काम है लेकिन वो निरंतर काम भी जरूरी है बाकी हम जो 10 लोग हैं जुड़े तो हैं जुड़े रहेंगे तो आगे भी चलने के लिए भी प्रेरित हो जुड़ना नहीं गए तो वो बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए संवाद की प्रक्रिया आपके बीच में बनी रहे सतत रूप से चलती रहे उस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन है कि आप ऐसा कोई ना कोई एक दिन तय कर लीजिए तो आप अपनी सुविधा से तय करिए उसमें मुझसे आप पूछिए कि सोमवार को रखने की बुध को रखने की शनिवार को जो आप जो तारीख सुविधा रखनी हो उस दिन रखिए जो तारीख आपको सूट करनी हो उस दिन रखिए लेकिन रखिए भले ही मैं आपको फिर एक काम कर रहा हूँ नाम ही मिलना है लेकिन मिलिए जरूर सातत्य बनाए रखने के लिए हमारा एक दूसरे से मिलना है।
और संवाद करना बहुत जरूरी है। ये सारे आपको कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के लिए बहुत मदद है। और नए कार्यकर्ताओं को तलाशने के लिए मैंने बताया आपको कि आप जो है नए मॉडल होने चाहिए, नए लोगों से संपर्क करिए, नए संगठनों के लिए संपर्क करिए, नई संस्थाओं में जाइए, अपनी बात सुनाइए, उनको समझने की कोशिश करिए। सभी भी इस बात का आग्रह पहली बात जो रखिए कि आपकी सरकार पहली बात नहीं माने, ये मानकर जाइए कि वो हमारी दस में से एक बात मानेंगे या दो बातें ठीक है, वो एक बात मानेंगे दस में से तो पेपर दो भी मानेंगे, तीन भी मानेंगे, पचास भी मानेंगे, फिर सबकी सभी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम जाते हैं और ये मानकर कि मैं आज ही उसको पूरा स्वदेशी बनाने चलाऊंगा, ये तो नहीं होगा। आप ऐसा मान जाइए कि आज मैं उसको से इतनी बात करूंगा कि ये पैसे नहीं भी आएंगे, वो भी नहीं आएंगे, ये भी कल्पना करके मान जाइए वो पैसे को छोड़ ही देगा। बस इतनी कल्पना करके जाइए कि आज को मैं सिर्फ उसको समझाने जा रहा हूँ, हो सकता है दूसरे वक्त तीसरे बात मिले तो पैसे को छोड़ या कॉलगेट छोड़ या बक्सर कॉलगेट का छोड़ या कुछ भी छोड़, तो दूसरी बात में तीसरी बात में छोटी बात हो सकती है। सबके पीछे पहले ये मेरा देखिए कहना है थोड़ा धैर्य रखिए, अजीब का मतलब है क्योंकि अजीब का में बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है, तो थोड़ा सा धीरे चढ़ेगा ना तो उसमें से चीजें सुधरती चली जाती समझती चली। कारण क्या है, हिंदुस्तान धीरे वाला देश है, फ्रांस में अगर मैं होगा तो मैं आपको सीम की बात धीरे दुखा, क्योंकि फ्रांसीसी लोगों का मानस जो है बिल्कुल अजीब का है। वो कहते हैं कि आज सवेरे पूछता है कि आज शाम तक हो ही जाना चाहिए, तो हो ही जाए, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह का मानस नहीं है। तो एक खास बात का ध्यान रखिए कि भारतीय लोगों का जैसा मानस है उस मानस को ध्यान में रखकर अगर आप काम करेंगे तो कभी आप निराश नहीं होंगे। और मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित रहता हूँ कि हमारा एक भी कार्यकर्ता निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो निराश हुआ तो उसका आंदोलन निराश होगा, और निराश हुआ तो फिर क्या कार्य निराश होगा। जब हम जो है कल्पना को करते हैं दस साल में या पांच ही साल में क्रांति करो होती है, हिंदुस्तान की कभी और क्षमता की तो ठीक है कि उनको कुर्बान करने की क्षमता तो बहुत आसान काम है, लेकिन तिल तिल करके बनना राष्ट्र के साथ कि मेरी तरफ और ही गिर रहा है तो
ये बातें हैं और उस लोग के रास्ते से सीखने को आगे ध्यान दो। वो है पत्थर पर ठोकर लगके गिरता सोचता है कि मेरे पहले जाने वाले पत्थर का टुकड़ा उठाकर क्यों नहीं देता, और दूसरे दिन आकर वो देखता है तो क्या देखता है कि पत्थर के बगल के रास्ते को बना लिया कुछ लोगों ने और उधर से निकल गए। पत्थर उखाड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, अपना एक नया रास्ता जो पत्थर के बगल से जा रहा है उसको बना रहे। ये है भारतीय मानस, और इसको मैं आज की परिभाषा में कहूं कि हम हिंदुस्तान में ये कल्पना करेंगे तो ये कभी शायद 1000 साल में पूरी नहीं होगी। मैं जब आता देता हूँ ना 4000 विदेशी कंपनियों के मालिक के हिंदुस्तान में 4000 कारखाने हो तो उनका जाकर लेके बम गिरा दिया जा रहा है। हिंदुस्तानी कभी नहीं करेंगे, वो ये कहेंगे कि ये 4000 कारखाने बड़ा चूल्हे में जाए, हमको अपने 4000 नए कारखाने चला कर उनका माल नहीं चाहिए कि हम क्या बंद हो गए। ये भारतीय मानसिकता, ये जो बहिष्कार है ना वो भारतीय मानसिकता से निकला हुआ हथियार है, और उन कारखानों को भंग से उड़ा देना ये भारतीय मानसिकता के बाहर की चीज। तो भारतीय मानसिकता के बाहर की चीज अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही कर पाएंगे जितनी आपकी शक्ति है, दूसरों की मदद आपको नहीं मिलेगी। और भारतीय मानसिकता के साथ जुड़कर अगर आप अपने काम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरों की भी मदद आपको आपको मिलती रहेगी। तो ये हमने बहुत सोच समझ कर बहिष्कार की बात शुरू की है। बहुत लोग कहेंगे कि आपने तो कोई दूसरा ही काम किया होगा, हमने वो भी करके देखा शुरू के दिनों में अधिक क्रांतिकारी काम हमने लिए कोशिश करके देखी, चलो ये फर्सी का ब्रांड बंद कराओ, वो बंद कराओ, ये बंद कराओ, वो बंद कराओ, और उसके लिए बाकायदा मनोमान का संगठन भी बनाया, एक बलदानी दस्ता भी बनाया हमने, जो मरने में विश्वास रखते हैं मरने से एक मिनट भी नहीं करते, वो सब हमने किया। लेकिन अंत में नतीजा हमने यही देखा कि हमारे उस काम में मास पार्टिसिपेशन कभी नहीं हो, कभी नहीं। हम जो थे उतने ही लोग मिलकर कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं हजारों लाखों लोगों का हिस्सेदारी इसमें होती थी, तो हमने थोड़ा रास्ता बदला और वो फिर संख्या चाणक्य उससे मुझे बहुत सीख मिली कि ये पत्थर का टुकड़ा उठाकर फेंक देते हैं शायद ही हमारी मानसिकता ही एक नया रास्ता बनाने के लिए, वो हमारी मानसिकता है। तो ये बहिष्कार के माध्यम से नया स्वदेशी का रास्ता बनाने ये बहुत संभव है हिंदुस्तान में, बजाय इसके 4000 विदेशी कंपनियों के कारखाने हम होता है बहुत चिंता फिर भी बहुत आसान है, लेकिन ये हिंदुस्तान की मानसिकता से बेल नहीं खाता है, इसलिए ये थोड़ा सा अच्छा नहीं मानता। और जो कि हिंदुस्तान की मानसिकता से मेल नहीं खाएगी उसको आप कभी भी जड़ तक नहीं ले जा सकते, ये मेरा पिछले 10 साल का अनुभव है। तो आपके साथ जो है ऐसी कोशिश कभी ना करें जो भारतीय मानसिकता से मेल ना खाती, अगर कोशिश करेंगे तो तकलीफ में आप करेंगे। तकलीफ क्या होगी मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मेरे साथ को कहीं आप जेल में जाएंगे वो कोई तकलीफ मुश्किल आपको ये होगी सर को आपको बधाई देने वाली जरूरत है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने पिछले साल बहुत जोश में आकर गुजरात के कुछ शहरों में, उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में, नसी कोला के शहरों में आकर फिर भी दिया अमेरिका ने पाबंदी लगाई कि उस काम की यात्रा पूरा देश एकदम गर्म हो गया वही बन तो सारे देश में अंदर गर्म चल गया कि हमारी काफी बहुत हमारा इलाज अच्छा करना है सरकार तो एंटी अमेरिकन टीम पूरे देश में थी और उस एंटी अमेरिकन टीम का कुछ और जो आपको काफी निशान हुआ तो कहीं तो वैक्सीन का इलाज है कहीं तो उसके वैक्सीन के ड्राइवर की बात की किया कहीं तो वैक्सीन बोलने को थी कहीं तो बोलने का पानी निकाल चुके किया ये सब हुआ। और तो उन सब कार्यकर्ताओं से देखी उनके चेहरे पर जितनी शायद किसी नए व्यक्ति में तो उससे नुकसान क्या हुआ, एक तो वो खुद अपनी अपनी नजरों में मुश्किल होती है, कम से कम आज कुछ हो रहा है कार्यक्रम में टीका नहीं होता अरे हमें कम से कम ये नहीं किया पता क्या था पता ये चला कि वैक्सीन और उसमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हर एक कोटा इंश्योर है वैक्सीन कोटा इंश्योर इंश्योरेंस
और बाकी जैसी चीजें हैं जो आप कभी कभी खरीदते हैं, जैसे टेलीविजन तो रोज नहीं खरीदते, कार भी रोज नहीं खरीदते, सेलफोन भी रोज नहीं खरीदते, रेफ्रिजरेटर भी रोज नहीं खरीदते, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप रोज नहीं खरीदते, उनमें अगर थोड़ा आग्रह ना करें, उनमें आग्रह इतना ही करें कि मन से नहीं होता आप स्वदेशी के लिए, क्योंकि टेलीविजन भी स्वदेशी है, कार भी स्वदेशी है, रेफ्रिजरेटर भी स्वदेशी है, और भी बहुत सारी चीजें स्वदेशी है, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल होते हैं, जो रोज ही खरीदते जाते हैं, कभी साल में एक बार या दो साल में एक बार या पांच साल में एक बार खरीद जाते हैं, तो उसमें भी आप अगर रखिए कि बन सके उतना स्वदेशी या देशी का इस्तेमाल। हम लोगों ने एक वर्गीकरण किया है और वो वर्गीकरण आप समझा रहे, हमने तो स्वदेशी वस्तु, दूसरी देशी वस्तु और तीसरी विदेशी वस्तु। स्वदेशी क्या है? जो हमारे काम में बनता है, हमारे संसाधनों से बनता है, हमारी भूमि से बनता है, हमारी धरती से बनता है, वो हमारे लिए स्वदेशी और हमारे बस्ती में बनता है। देशी क्या है? देशी वो बड़ी हिंदुस्तानी कंपनियों में बनता है या जो इंटरनेशनल में बनता है, जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी, ये हमारे लिए देश या कावासाकी बजाज या हीरो होंडा या कॉन्टिनेंटल होंडा या बड़ी निर्माण कंपनी टाटा कंपनी या बिरला कंपनी, ये सब हमारे लिए देशी। स्वदेशी को जो गाँव में कुटीर उद्योग में, लघु उद्योग में, मध्यम दर्जे के उद्योग में हमारी भूमि, हमारा श्रम, हमारे संसाधन और हमारी नदी का इस्तेमाल करके बनावा सामने है, वो हमारे स्वदेशी है। पहला आग्रह स्वदेशी का ना मिले तो देशी का विदेश का लेंगे, लेकिन उसमें भी अगर इमरजेंसी है कहीं तो उसमें भी सोचिए इमरजेंसी की अगर इसके लिए हम डॉक्टर कोई पेशेंट आपके पास आने वाला, मुझे मालूम है कि इंजेक्शन की कंपनी बना दी और उसका नाम है फाइजर, तो तुरंत उसको लगाइए, वो मुझे कुछ लेता है उस समय घर मांगा ये कि हम उसको फाइजर का इंजेक्शन देकर जिंदा रखें ताकि वो जिंदा रहे और फाइजर के नाम बढ़ेगा तो सही, पर या तो आज से ना बोलेगा उसको जिंदा रख ही दिया पहले ताकि वो आपकी लड़ाई में कभी आपका साथी बन सके, सहयोगी बन सके। तो ये इमरजेंसी कभी भी होगी, आपत्ति कभी है और आपत्ति का कोई समय है तो उस समय ये ज्यादा चर्चा हम करिए अपने दिमाग से रखिए। और हमारे यहाँ तो कई संस्कृत सूत्र हैं, आपत्ति का भी मर्यादा ना सीखिए, जब बहुत आपत्ति का समय होता है उस समय मर्यादा की बात करिए इसलिए तो मुश्किल हो जाए, तो आपत्ति का कोई समय है तो उसमें जाते ही चक्कर मत चलाइए, सामान्य समय में चक्कर क्या चलाना है, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी ना मिले तो देशी, विदेशी कम से कम ना करिए। बस आप एक आप वर्गीकरण करिए आप अपने लिए भी करिए और अपने सब कार्य तो उससे बोलना ही पड़ता है, और देखिए एक बात का ध्यान रखिए हमें दूसरों को प्रेरित करते हुए ये कराना है ना कि उस पर मन जमा कर अधिकार जमा कर सकते हमने जबरदस्ती चीज से करा भी लिया थोड़े दिन में जमा कर सकता था, दस मिनट से कोई चीज लंबे समय नहीं चलती, आदेश भी बहुत ही लंबे समय नहीं चलती, क्योंकि हिंदुस्तान समाज की दूसरी विशेषता है, जैसे मैंने बताया हमारे समाज की एक विशेषता है कि उखाड़ देने के लिए का नया आसन बनाया गया, ये एक विशेषता, ऐसी एक दूसरी विशेषता है भारतीय समाज आदेश पसंद नहीं करता कभी, इसलिए हमारे देश में कभी सैनिक शासन नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक जिसने हिंदुस्तान में सैनिक शासन करने की इसलिए घोषणा की जनता उसको ऐसा पटकी मारेगी कि वो उसको इतनी बड़ी मार देगी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ी कोशिश की वहां से आई है और उनके सारे लेकिन आप जान लेकिन उनका क्या हासिल हुआ, तो भारतीय समाज के लिए आदेश पसंद नहीं करता, निवेदन मांगता है, आप विनम्रता के साथ निवेदन करिए उससे बड़ी बात तो आपके पास मारेगा, तो निवेदन करिए उससे विनम्रता के साथ, विनम्र पसंद करता भारतीय विनम्रता के साथ किया गया निवेदन हो सकता है वो आपको इतना ही सहयोग करे तो अपने घर की सारी चीजें जला भी अगर आप उससे विनम्रता से और जाकर आप उसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो ये भारतीय सभा को आपकी किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा। इसी बात को मैं कहता हूँ मजाक नहीं हूँ बहुत गंभीरता से कहता हूँ, भारतीय समाज टैक्स नहीं देता दान को देता, इसलिए दान जब आप मांगते हैं तो उसमें विनम्रता होती है और जब टैक्स लेते हैं तो पूरी शुद्ध दादागिरी होती है और जो टैक्स कलेक्शन करने वाले हैं उसको दादागिरी ही सिखाई जाती है, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, मेरा एक कजिन है IRS इंटरव्यू सर्विसेज में है, अभी जॉइंट कमिश्नर है एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स का, वो मुझे जब भी मिलता है उसको पूछता हूँ तुम्हारी ट्रेनिंग क्या होगी, उसने कहा अगर एक बार मैं कहूँ तो हमको दादागिरी से टैक्स कैसे वसूल करना ये ट्रेनिंग कर, तो ये दादागिरी का काम अंग्रेज किया करते थे, प्रॉपर्टी दिखाना दादागिरी दिखाना
धन कराना डराना धन ला के डरा के आपके असेट्स को कबूल कराना हो गया, ये हमारे समाज में चला आ रही है। इसीलिए ये सारे टैक्स के डिमांड में चल रहे हैं और इससे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में हर साल दान के रूप में खर्च होता है, वो लाखों करोड़ जिसका टैक्स वाले कोई करना नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज्यादा पैसा आगे समाप्त हो जाता है। इसके लिए वो बिल्कुल साफ साफ देखने वाली बात है कि हम जब दान करते हैं उसमें विनम्रता होती है, निवेदन होता है, अलग ही होती है, भारतीय समाज अलग ही पसंद नहीं करता, विनम्रता पसंद करता। तो आपकी भरसा राष्ट्रीय परिस्थिति है जिससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है स्वदेशी, और आपको इससे ज्यादा दूसरी बात समझ में आती है तो आप या आप उस काम को करिए। तो अगर आपसे ज्यादा कोई बात सीखा होगा स्वदेशी रूप से मांगे और नहीं होगा तो भी ईमानदारी से मान ही लेगा। तो ऐसा हम हमेशा से अपने जीवन में कुछ धारण करेंगे दो तीन बातों को नीति के रूप में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सफलताएं ज्यादा मिलेगी, असफलताएं कम मिलेगी, कार्यकर्ता भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और कार्यकर्ता को जोड़कर रखने के लिए भी बहुत जरूरी है विनम्र। कार्यकर्ताओं के साथ भी अगर आप आदेशात्मक रवैये में व्यवहार करें, उसको आप ऑर्डर कर रहे हैं कि ये काम करना है या ये नहीं करना है, तो वो थोड़े दिन रहेगा फिर उसके बाद चला जाएगा, क्योंकि वो आपका बंधुआ मजदूर नहीं है, नौकर नहीं है, वो अपनी प्रेरणा से आया है कुछ करने के लिए आया, और वो अपनी प्रेरणा से आया है कुछ करने के लिए आया, तो ये मान लीजिए कि उसका स्वाभिमान आपको बरकरार बनाकर रखो, उसके स्वाभिमान को जरा भी ठेस लगेगी तो आप नाक अच्छी बात कहिए वो आपसे किनारा कर लेगा और नमस्ते करके चला। तो हम कोशिश भर तक ये करें, मैं ये नहीं कहता कि सब लोग आदर्श होते हैं, आदर्श तो कभी होता नहीं दुनिया में, लेकिन फिर भी अगर हम ये ध्यान रखें कि हमारे हर एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान उतना ही है जितना मेरा, वो छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता, सबका स्वाभिमान बराबर का होता है, तो उसके स्वाभिमान को अगर आप बराबर पहचान कर रखेंगे, अपने स्वाभिमान को भी बराबर पहचान कर रखेंगे, तो वो जो है बात बैठती रहेगी, आपकी और उनका संवाद बहुत गहरा होता जाएगा और उनका और आपका काम करने का जो तरीका है वो शायद बहुत सामने वाला होता चला। तो ऐसी कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप ध्यान रखेंगे संगठन बनाने में तो बहुत अच्छी होगी। और एक बात और ध्यान करें कि कभी भी इस तरह की कोशिश मत करिए कि ये सब काम हम अगले करवा लेते हैं, अगर नहीं ऐसा नहीं होगा देश में, क्योंकि हमें मालूम है हमारी शक्ति कितनी है, हमें ये भी मालूम है दूसरों की शक्ति है। तो कोशिश हम ये भी कर सकते हैं अगर आपको लगे तो, उसमें मेरा कोई आदेश नहीं है, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि हमारे गांव में कोई दूसरा या हमारे गांव में कोई दूसरी संस्था भी है और वो भी कुछ इस तरह के काम में मदद कर सकती है, जरूर उनकी मदद करें। उस समय ये मत सोचिए कि उनका झंडा कौन सा है, हमारा झंडा कौन सा है, उनकी पार्टी कौन सी है, हमारी पार्टी, इसी चक्कर में हिंदुस्तान बर्बाद। हम कभी इतिहास में ये पढ़ते रहे हैं कि इस देश के राजा महाराजा एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते, एक दूसरे से तो लड़ते थे। जोधपुर वाला जैसलमेर से लड़ लेगा, जैसलमेर वाला जोधपुर से लड़ लेगा, दोनों मिलकर अंग्रेजों से नहीं लड़ते। ये हमारे देश की बर्बादी की कहानियों में एक बड़ा वो है ना अध्याय, ये सब हमने पढ़ा ना कि हिंदुस्तानी राजा महाराजा आपस में बहुत लड़े, एक दूसरे की मारा काटी भी की है और एक दूसरे की चुगलियां भी अंग्रेजों से की है। अंग्रेजों से मिलकर अगर लड़े होते तो शायद 1760 में ही अंग्रेज भाग गए होते। और ऐसा होता रहा है कि एक राजा लड़ रहा है, दूसरा उसके बाजू में है, वो निसंकोच जो है शांत बैठा हुआ, उसको ये चिंता नहीं है कि कल को ये अंग्रेज हमको भी आके पीटे। अगर ये रहा होता तो बड़ा काम हो गया होता इस देश में। तो वो गलती आप मत करिए, बहुत सारे संगठन है इस देश में, बहुत सारी संस्थाएं भी है इस देश में, शायद हजारों की संख्या में होंगे और उनमें लाखों कार्यकर्ता भी होंगे पूरे देश में। तो अगर कोई संगठन संस्था या कोई व्यक्ति जो आपको लगता है कि इस तरह के काम में मदद कर सकते हैं, जरूर मदद लीजिए, क्योंकि हमें हिंदुस्तान को स्वदेशी के आधार पर अगर खड़ा करना है, फिर से पुनर्निर्माण करना है इस देश का या इस देश की नई कहानी कहनी है, जैसा कि हम हमारे गीत में गाते हैं, तो वो नई कहानी आप अकेले नहीं कह पाएंगे, आप अकेले लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है। तो हमारी क्षमता और शक्ति का अंदाजा अगर हमें हमेशा रहेगा तो उससे हमें दूसरे काम करने में काफी सुविधा मिलेगी। मजदूर संगठन है हमारे, उनको संपर्क में लीजिए,
कर्मचारियों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, डॉक्टरों के संगठन है उनको संपर्क में लीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के संगठन है उनको भी संपर्क में लीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जातियों के संगठन है वहां भी जाइए। हमें अपनी बात कहने के लिए कहीं भी जाना, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जातियों के संगठन है, ये सामंतवादी मानसिकता वाले हैं। ठीक है, वो अपने लिए सामंतवादी मानसिकता के हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी बात कहने के लिए उनके बीच में भी जाएंगे जो जातियों के संगठन। आपको हंसी आएगी, मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, हंसीएगा बाद में, पहले उसको सोचिए। मैं अगले महीने मुंबई में हिजड़ों की एक सभा करने जा रहा और उन्होंने मुझे इन्वाइट किया। अब हमारे कार्यकर्ताओं में मारा मारी मची है, राजीव भाई वहां कैसे जा सकते। मैं तो वैश्याओं के बीच में भी जा सकता हूँ अपनी बात कहने, क्योंकि हमें अपनी बात कहनी है। कौन जाने उनमें से किसी को ये बात प्रेरित हो रहा है और वो अपने तरीके से कुछ करने लगी है। मुंबई में 5,500 हिजड़े हैं जो समय समय पर अपने काम के लिए घूमते ही रहते हैं और वो गीत भी गाते हैं, तो मैं तो उनको ये गीत सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जाएंगे तो हमारा गीत गाएंगे, उनको तो गीत गाना ही है। और जिस घर में जाएंगे उसमें वो अगर दो बातें ये भी कह देंगे कि भाई बहुत अच्छा है आपके घर में बेटा बेटी पैदा हुई है, हमारी शुभकामना, अब आप स्वदेशी भी अपनाएंगे, इतनी भी वो बोलेंगे तो 5,000 मुंह से स्वदेशी तो निकलेगा और वो 5,000 लोग जो है अच्छा प्रचार भी कर सकते। हरेक में संभावना है इस देश में। आदि के आंदोलन की कहानी आप पढ़िए, कितनी वैश्याएं थी जो महात्मा गांधी को डोनेशन लाके दे दी, कितनी वैश्या जिनका जिक्र गांधी जी ने अपने उसमें किया, लेखों में किया, नाम लेकर लिखा। हिंद स्वराज के लेखों में गांधी जी ने लिखा है, यंग इंडिया के लेखों में लिखा है, उनका जो संपूर्ण कलेक्शन है वो मैंने 2-3 बार देखा है, पढ़ा है। तो एक और जो आशीर्वाद पता नहीं कितने लोगों के नाम लिखा है कि वो वैश्या वो वैश्या वो ऐसा है, लेकिन वो तो आती है मुझको तो सोना लेके जाती है, वो तो आती है चंदा भी लेके जाती है और वो कहती है कि आजादी के आंदोलन में हमारा बड़ा भारी योगदान। और कई तो ऐसी वैश्याएं रही हैं जिन्होंने बहुत क्रांतिकारी काम किए। अंग्रेजी बड़े बड़े अधिकारियों को जिनको हैंडल करना क्रांतिकारियों के लिए मुश्किल था उनको मारा रास्ते से हटा। तो माने मेरा ऐसा कहना कि समाज का कोई भी आदमी अनुपयोगी नहीं है, समाज का कोई संगठन अनुपयोगी नहीं है, समाज की कोई संस्था अनुपयोगी नहीं है। छुआछूत मत करिए, ज्यादा छुआछूत करेंगे तो आप अकेले पड़ेंगे। और अगर हमें ये काम 20-25 साल में करना है जैसा कि मैंने कहा, तो ये 20-25 साल में तो ये तभी होगा जब आपकी बात और आपका काम बहुत सारे दूसरे संगठन भी करना शुरू हो, तब आप 20-25 साल में ये करें। और हमारा उद्देश्य क्या, अंग्रेजों का उद्देश्य था समाज को तोड़ा हुआ, तो बंटवारे किए, एक को दूसरे से लड़ाया, दूसरे को तीसरे से अलग किया, तीसरे तो उन्होंने बंटवारे किए हैं तो समाज को कई स्तरों पर तोड़ा। दुर्भाग्य से पार्टियां हमारे देश की उसी रास्ते पर चल रही है कि समाज को अपने अपने तरीके से जोड़ रही। तो हमारा काम तो पार्टियों से बिल्कुल उल्टा है, हम तो जोड़ना चाहते हैं। आजादी के पहले समाज को जोड़ने में आजादी आंदोलन का एक बड़ा भारी योगदान था, तो आजादी के बाद इस समाज को जोड़ने में आजादी बचाओ आंदोलन का एक बड़ा योगदान हो, ये हमारा आदर्श और ऐसी कल्पना हम करते हैं। तो समाज के सभी वर्गों का इसमें योगदान मिले। मैं तो आपको एक ऐसी छोटी बात बताता हूँ, कुछ लोग तो उसमें चिंता करते हैं। मुंबई की मेरी कई मीटिंगों में डॉन और माफिया कहलाने वाले लोग, एक दिन तो ऐसा हो गया मैं एक मीटिंग में भाषण देके मंच से नीचे उतरा और सामने बैठे हुए कुछ लोग मैं तो नहीं जानता कौन, जैसे ही मैं उतरा उसने कान में आके कहा कि मेरा नाम छोटा, तो बगल वाले का तो सूट गया, ये क्या हो तो छोटा राजेंद्र कहां से। और उसने ऐसे ही बहुत सहजता से आकर कहा कि राजीव भाई मेरा नाम छोटा राजेंद्र, तो मैंने सहजता से हाथ मिला लिया। हमारे बाली बल गए, अरे राजीव भाई आपका जल्दी चली, मैंने कहा क्यों भैया परेशान, वो सामने से आया है अपना परिचय मिला इसका मैंने, वो सदा शर्टा में आया वो मुझे मारने मिला। और फिर वो बोल के गया, आज का व्याख्यान सुन के मैं आपको बोल के जाता हूँ कि मेरे घर में हंसी पर्ची नहीं आएगी, कूपा नहीं आएगी, तो उसने पर्ची को बंद कर दिया, अपना मिलाना बंद कर दिया, मिलाना बंद कर दिया। और ऐसे ही एक दूसरी घटना हुई, पप्पू कलानी का नाम शायद आपने सुना होगा, एक बार उल्लासनगर में सभा करने पहुंच गया, उसका भाई और उसकी दोनों सभा में बैठे, तो जैसे ही वो अंदर घुसे तो हड़कंप जैसा मच गया, तो पता नहीं कहां से आ गए, तो मुझे पता नहीं था, मैंने पूछा कि भाई क्यों ये अफरा तफरी है, राजीव भाई वो धीमे से बोला पप्पू कलानी का भाई है, तो मैंने कहा ठीक है भाई रही तो मैं कहते हैं तुम्हें क्या कहते, वो सुनने आया सुने तो कुछ अगर मिल जाएगा वो लेके अपने घर जाएंगे। और वो सभा के बाद उसकी बहन का मेरे पास पत्र आया, पप्पू कलानी की बहन, और उसने कहा कि मेरे भाई को मैंने जेल में, वो जेल में है, तो जेल में मैंने पत्र लिखा और जेल में उसने पैप्सी पी ली। तो हम लोग कभी अगर
ऐसी बातें ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति में सुधरने की गुंजाइश है, हर व्यक्ति में राष्ट्र के लिए कुछ करने की गुंजाइश है। ये अलग बात है कि उसको मौका मिला तो उसने किया, नहीं मिला तो किसी दूसरे रास्ते पर चला गया। यही लोग जो आपको बड़े डॉन लगते हैं, माफिया लगते हैं या समाज के काले धंधे करने वाले वो लगते हैं, अगर हमें क्षमता हो तो यही लोग राष्ट्र का काम करने वाले भी साबित हो सकते हैं। गांधी जी की इस बात से मैं हमेशा सहमत हूँ। गांधी जी अक्सर कहते थे कि हृदय परिवर्तन होता ही है, आप चाहे माने या ना माने, और हृदय परिवर्तन मैंने होते हुए देखा। मैं तो अभी बहुत चले में कर दिया था अपने लिए, मैंने किया एक दिन में आपका नहीं गया गया भाषण अबूला जी एक सेंट्रल जेल है वहां गया भाषण, और वहां मेरे प्रिंसिपल हैं जो डीआईजी हैं, मुझे जानते हैं पहचानते हैं। मैं उनको कहा कि जेल में भाषण दे रहा था, आज ही गया था और 3:30 से बड़े शांति से सुना, किसी ने भी एक चू की आवाज नहीं की। भाषण करवाने के बाद उनमें से एक काम हुआ, उसने कहा कि आपकी बात सुनने से हमको समझ में आया कि हमसे बड़े बड़े जो महाराजा हैं वो कहीं और हैं। आगे आपके पास है कितना चाहिए इस संगठन की चर्चा के बारे में आपसे कहना था।
उसमें आपका सपना है कि ज्यादा लोग सदस्य बनाएंगे, पानी मुश्किल हो जाएगी, हम ठीक से हैंडल कर पाएंगे, तो कुछ प्रयोग करने देगी, कई ज्यादा सदस्य बनने के बाद आपकी क्षमता बढ़ ही सकती है और दूसरा भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर करिए। कुछ ग्राम है जहाँ की संचालन समिति थोड़ी अपने आप को ज्यादा मजबूत समझती है, तो उसके मास लेवल पर मेंबरशिप और मेंबर कैसे बनाए, हर एक साथी को मेंबर आप प्रश्न आपकी मेंबरशिप फीस ले फीस कहीं ना कहीं क्योंकि हमने आज को परंपरा नहीं बची। अगर आपको लगता है तो सिलेक्शन नाम दे दे ये सब सदस्य हैं जिन्होंने अपना जीवन जो एक संस्था दे रखा है और हकीकत यह है कि लोगों के बदल जो है आगे आंदोलन आगे चल रहा है। रुपेश भाई मैं चाहूंगी नाम ही बोलूं संत साली हो गया आप ही अब आप दो हैं ये सब तो एक है आप दो जन मिलिए अपना जीवन जो है आप सबको मिल जाएगी और इसके साथ ही हम जितने कलेक्टर आए हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है उन सब की हमने वो नंबर में निकाली है सिटी वाइज इन्फॉर्मेट वो भी लिस्ट आपको सामने मिल जाएगी। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा इन्होंने जो है पिछले सत्रह वर्ष से काम करने के लिए सोलह पेज की है पर सत्रह का सौ कितने पड़ेंगे और इसमें बदलते निकाल कर खुद ही भेजेंगे तो इसका वो नहीं हुआ से मतलब। अब मैं पहले जो अजय जोशी वाले के सामने हैं इनका सम्मान देना चाहूंगा। उससे पहले कावर जी सबसे पहले कावर जी सम्मान देना चाहूंगा पूरे बोला था क्योंकि यहाँ था तो मैंने इसको जरूर सौंप दिया है। एक मिनट और ये जोधपुर में काफी लोग सुनते जो है उनका परिवर्तन कर लिया है और ये कसम सुन की बाकी लोगों को ध्यान दी थी अजय जी बच्चा उनकी सर भी ये कागज जी के लिए है। राजेश चौधरी नाम के हो नीचे उनका टेलीफोन है।
लाइट आ रही है, लाइट आ रही है।